हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम इस प्लास्टिक बॉटल से एक हैंडकफ बनाएंगे। सबसे पहले हम प्लास्टिक बॉटल के ऊपर जो रैपर है उसे निकाल लेंगे। उसके बाद कटर के हेल्प से उसे कट कर लेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं बॉटल के जो बीच वाला प्लेन एरिया है उसे हमें बड़े कड़े की शेप में कट कर लेना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने उसे इस शेप में कट करके लिया है। इसे कवर करने के लिए हम यहाँ पे ब्लैक कलर के कपड़े का इस्तेमाल करेंगे। इसके ऊपर हमने जो प्लास्टिक की शीट रखी है उसे हम चिपकाने के लिए ग्लू गन का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हमने जो कपड़ा लिया है उसका मार्जिन हमने ज़्यादा रखा है क्योंकि हमें अंदर से कोई उसे एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लगाना पड़े। इस तरह हम सारे जगह से ग्लू गन के हेल्प के साथ कपड़े को अच्छे से फोल्ड करके चिपका लेंगे। इसी तरह से हमारा बेसिक हैंड कप बन के रेडी हो गया है। ये जो कप बना है वो प्लास्टिक शीट का है तो वो लूज ना रहे, इसके लिए उसे फिक्स करने के लिए हम इसमें जो स्टिक वाले बटन होते हैं उसे चिपका लेंगे।
से डेकोरेट करने के लिए यहाँ पे मैं सर्कुलर शेप की मिरर का इस्तेमाल कर रही हूँ। सबसे पहले तो हम फैब्रिक ग्लू लेके मिरर को फ्लावर की शेप में चिपका देंगे। इसी तरह से कफ के ऊपर हम एक लाइन में फ्लावर्स को बना लेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने हर जगह पे फ्लावर्स बना लिए हैं। यहाँ पर हम बॉल चेन का इस्तेमाल करेंगे। बॉल चेन को फिक्स करने के लिए यहाँ पे मैंने B6000 ग्लू का इस्तेमाल किया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने दो बॉल चेन के बीच में गैप रखा है जिसके अंदर मैं सर्कुलर शेप की मिरर्स को चिपकाने वाली हूँ। मिरर चिपकाने के लिए यहाँ पे मैंने B6000 ग्लू का इस्तेमाल किया है। कफ के दोनों साइड में मिरर्स लगाने के बाद ये कफ कुछ ऐसा दिखेगा। इसमें थोड़े से और डिटेल्स ऐड करने के लिए यहाँ पे मैं सिल्वर बीड्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। दो फ्लावर्स के बीच में यहाँ पे मैं चार चार सिल्वर बीड्स को चिपका रही हूँ। सारे जगह पर बीड्स लगाने के बाद ईयर कफ कुछ ऐसा दिखेगा। सुई धागे की मदद से हम एक्रेलिक ग्लू को कफ में सील लेंगे। यहाँ पे मैं सुई धागे में थोड़े थोड़े घुंघरू डाल के उसे मैं सी ले रही हूँ, या फिर आप
पूरे कफ का मेजरमेंट धागे से लेके उसमें एक ही टाइम में पूरे घुंघरू डाल के उसे पूरे कफ के ऊपर रैप करके बीच बीच में धागे से उसको सी के फिक्स भी कर सकते हैं। तरह से हैंड कफ के दोनों साइड में हम घुंघरू को सी लेंगे। इसी तरह से हमारा हैंडकफ बनके रेडी हो गया है, जिसे आप नवरात्रि में पहन सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये हैंडकफ कैसा लगा। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।